सिटी ऑफ लेक्स भोपाल की सैर सपाटे के लिए हम लोग निकल चुके थे स्कूटी से, लेकिन हम लोग जा रहे थे ब्राइड को सरप्राइज़ देने। बिल्कुल जिससे नेहा दीदी के भाई की शादी यानी कि अभी की शादी हो रही है, उस ब्राइड को हम लोग सरप्राइज़ देने पहुंच रहे थे। और नेहा दीदी वगैरह सब लोग कार से था और हम लोग स्कूटी से थे। तो हम लोग एक्चुअली जा रहे थे लेक पे, लेकिन रास्ते में घर था तो याद आया कि नेहा दीदी ने कहा कि उनका मेहंदी हो रहा होगा, चलो सरप्राइज़ देते हैं। फिर फ़ोन वगैरह पे बात भी हुई थी। फिर जैसे हम लोग वहाँ पहुँचे, ये लोग बहुत खुश हुए और हम लोग को भी बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे जाते साथ सब फ़ोटोज़ वगैरह जैसे हो रहा था और मेहंदी का सेरेमनी चल रहा था, गाने भी चल रहे थे, सब लोग एंजॉय कर रहे थे। आप लोग भी वाला व्लॉग एंजॉय करेंगे और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो आई एम श्योर आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। और ब्राइड देख सकते हैं आप कितनी प्यारी लग रही थी, बहुत ही अच्छा लगा। सबसे अच्छी चीज़ क्या है ना कि माहौल, फैमिली और जो सब लोग थे ना एक साथ, एक अलग सी फीलिंग आ रही थी, एक अलग सी पॉजिटिविटी आ रही थी। एनीवे आप लोग एंजॉय करो। दूल्हे की सालो हरे दुपट्टे वालियो, पैसे ले लो जूते दे दो, दूल्हे की सालो। सब शादी सुना इधर
वक्त हमारी प्यारी ताशी को चाहिए था किंडर जॉय, क्योंकि किंडर जॉय मिलेगा तभी ये कहीं जाएगी, है ना। तो मैंने फाइनली इसको किंडर जॉय दिला दिया। दिखाओ किंडर जॉय अपना, ये देखो। और कितने सारे किंडर जॉय लाए मैंने, बहुत सारे किंडर जॉय, तो बहुत सारे इसको किंडर जॉय मिलेंगे जब मेरी बात मानेगी तब। मानोगे मेरी बात? पक्का? चलो मेरी बात मानी। किंडर जॉय, किंडर जॉय, किंडर, किंडर जॉय, किंडर जॉय। अरे अच्छे से लग के ये लो, चले जाओ, चले जाओ। हम नहीं ले रहे, हमारे हाथों में मेहंदी। तुम्हें किसी कर दो मामी को किसी। ओए कर दिया चीनू मामा का क्या नाम है? मेरा नाम है चिंकी। ओके लग गया किसी को, तो रचने के चांसेस ज्यादा है। लाओ भैया क्यों गिरा रहे हो? गाइस डांस वगैरह करने के बाद हम लोग निकल चुके थे राजा भोज सेतु। मानो कि आज जैसे पूरा भोपाल हम लोग घूमने के लिए निकले हुए थे सैर सपाटे पे। काफ़ी अच्छा लग रहा था। और यहाँ पर एक तरफ राजा भोज लेक था और एक तरफ यहाँ पर स्टैचू इनकी बहुत खूबसूरत, स्टैचू के ऊपर लाइटनिंग आ रही थी, तो सामने जो व्यू था लेक का वो तो एक अल्टीमेट था ही। थोड़ी देर में मनीषा और सब लोग भी आ गए, तो सब लोग के साथ कुछ फ़ोटोज़ वगैरह हम लोग खिंच पाए। पीछे राजा भोज की मूर्ति है और हम लोग पहुंच चुके हैं राजा भोज लेक पे। वैसे तो लेक भी अभी बंद है, लेकिन हम लोग ब्रिज वगैरह के पास है, मनीषा भी आ चुकी है। तो पहली बार भोपाल सिटी ऑफ लेक्स में हम लोग लेक के किनारे खड़े होकर ऐसे वीडियो शूट कर रहे हैं। घूम फिर रहे हैं हम लोग फाइनली।
तुम लोग एंजॉय कर रहे हैं, आप लोग भी बने रहो, खूब सारा एंजॉय करो भाई। ये देखो मैं आपको दूंगा, ठीक है, किंडर जॉय। ये लड़की किंडर जॉय खा रही है राजा भोज मूर्ति के जस्ट नीचे लेके। बस यहाँ पर जिया, मनीषा, नेहा दीदी, नीतू दीदी, कौन गंगू तेली बन रहा है? अच्छा रील बन रहा है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। सो दोस्तों जैसे जैसे आगे बढ़े दीवारों पे कितनी सुंदर कलाकृतियाँ बनाई हुई थी, लेकिन अब वक्त हो चला था कि घर चले, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट एक दो घंटा से ज़्यादा हो गया था बाहर बाहर निकले हुए। तो हम लोग घर की तरफ फाइनली रवाना हो गए, और घर जाने के बाद जो अलग माहौल था वो तो आप लोग देखेंगे तो आप लोग देखते रह जाएंगे। काफ़ी हमने एंजॉय किया, और भोपाल की सड़कों पर भी काफ़ी अच्छा लगा, कहीं भीड़, कहीं खुले रास्ते, कहीं लेक्स तो कहीं बिल्कुल पहाड़ियाँ, अलग अलग सा फील आ रहा था, काफ़ी अच्छा लगा। एनीवेज आप लोग ब्लॉग एंजॉय करो, और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल प्लीज़ कर देना। यस, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तार लगा लगा के खोल खोल के खोल दिए, चाबी आ गई ऊपर, टेक्निक चल रहा था। तो यहाँ पे भोजन चल रहा है, सभी लोग बैठे हैं। सबसे अच्छा खाना ताशी का है, देखो कितना प्यार से गोलगप्पे खा रही है। हो गई है, और कोई खाया कि नहीं गोलगप्पे? वाह, उस हाथ में है। वाह, इतना बड़ा सुंदर लग गया मेहंदी, मिट गया। चलो गाइस तो खाना पीना फिलहाल खाते हैं। ताशी हैप्पी हो गया था, अब थैंक यू बोलो ताशी, इधर बोलो, इधर थैंक यू बोलो, थैंक यू, वेलकम ताशी, ताशी जाओ जाओ जाओ, जल्दी मामा के पास जाओ, जल्दी मामा के पास जाओ, जाओ जाओ, किसी कर दो, किसी कर दो, किसी कर दो, जल्दी सॉरी बोल दो, सॉरी बोल दो, सॉरी। हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, हड़िया वहां पर बैठो, हम तो यहां पर बैठो, आ जाओ इधर। आधी रात हो चुकी है, 12 बज चुके हैं रात के, और इस वक्त हम लोग घर से निकलने तैयार हैं। नीतू दीदी हमारी रो रही है, लेकिन मैं इनसे निवेदन करूंगा आंसू मत बहाओ, क्योंकि तू जा रहे है। और आप जाएंगे तो पूरा सुन ऐसा अच्छा नहीं लगेगा, हम लोगों को बहुत बुरा लगेगा। देखो जो सामने रहता है ना तारीफ कर देनी चाहिए, तो वही बात है, थोड़ा क्रेडिट मिल रहा है। अब हम जाएंगे तो और अच्छा मजे करेंगे, क्योंकि इनका भी जो इनका भी जो माहौल था ना वो मैंने खींच रखा था आधा, तो अब ये क्या करेंगे, अब मेरे पूरा ले लो माहौल, आप पूरा मैंने दिया, मेरे माहौल इनको दिया। आंखें खोलो बस, चलो भाई तो ऐसे मस्ती में जा रहे हैं। अब आप सोचो आज तो पहला दिन था, अभी तीन चार लोग और आने वाले हैं, तीन चार प्राणी और आएंगे, और जैसे प्राणियों की संख्या बढ़ती जाएगी माहौल और गर्माता जाएगा, तो आप लोग एंजॉय करते रहेंगे, और पूरे व्लॉग में आप हमें इसी तरह कुत्ता की तरह लड़ते भी देखेंगे। चलो भाई ये हमारे फैमिली का प्यार है, ये होना चाहिए एकदम खुले दिल का, लगेगा नहीं की पहली बार मिले, लग रहा है पहली बार मिले, चलो गाइस गुड नाइट। आपसे मिलके सीरियसली मैं लिटरली सच बोलूंगी, बिल्कुल सच, मुझे इतना बुरा लग रहा है। 10 रुपया दिया नहीं तारीफ करने के लिए, 10 रुपया दे जा रे। मेरा पर्स मिल गया था, 8 घंटा से 7 घंटे में हो गया, याद रखना। अरे तू चल रहे है भाई रे, चलो गाइस थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, आई होप यू हैव लव्ड द वीडियो। ऐसा लग रहा है दोबारा नहीं बुलाने वाले हैं, ऐसे सुनो तो ऐसे बाय कर रहे हो कि दोबारा नहीं बुलाना चाह रहे। तो भाई चलो अब हम लोग निकल रहे हैं फिलहाल।
मजाक कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें और बस ऐसे ही मस्त रहें सब लोग। ओके गाइस, बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं कल।